फेस्टिवल है और 150 से ज़्यादा यहाँ पर एग्जीबिशंस, स्टॉल्स, आर्टिस्ट अपनी अपनी कला का प्रदर्शन पूरे भारत से करके लाए हैं और मुझे लगता है कि भारत का वन ऑफ द बेस्ट आर्ट का एक साथ में इकट्ठा होना ये मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी बार बार आर्टिस्ट के बारे में बताते रहते हैं और ये जो प्रयास है इस प्रयास का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस प्रयास को महाराष्ट्र सरकार भी समर्थन देना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है ताकि आर्टिस्ट जो कि समाज को जिंदा रखते हैं उनकी ब्रश से लोगों के जीवन में भी कलर आए। यह आज इस समारोह के उद्घाटन के अवसर के ऊपर मेरा मुंबईकरों से निवेदन है, सब आइए, ये देखिए और आनंद लीजिए और आर्टिस्टों को बढ़ावा दीजिए।
मैं तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने 20 दिन कम से सर ने टाइम निकाला यहाँ है। अभी इंडिया आर्ट फेस्टिवल का ये हमारा 12th एडिशन है। 14 साल हो गए 2011 से अभी तक, और इसमें हर साल आर्टिस्ट बढ़ते जाते हैं। इस साल कम से कम 550 आर्टिस्ट आए हैं जो 150 साल में अपनी अलग अलग टाइप की आर्ट प्रदर्शित करे, जिसमें पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, सिरेमिक्स है, प्रिंट्स है। और ये शो दिल्ली बॉम्बे, पहले तो दिल्ली में शुरू, बॉम्बे में शुरू हुआ था, फिर दिल्ली में शुरू हुआ, फिर जब जब डिमांड बढ़ती गई तो बैंगलोर में भी शुरू हुआ। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट सपोर्टेड बाय द आर्टिस्ट। सो मैं तो यही कहूँगा कि आर्टिस्ट लोगों की वजह से बढ़ रहा है। और हमारे इंडिया में ये है ना कि आर्ट गैलरीज की बहुत कमी है। जहांगीर आर्ट गैलरी है, लेकिन जहांगीर आर्ट गैलरी में आज कोई एप्लीकेशन करेगा तो 5 साल बाद गैलरी मिलती है, 5 साल की वेटिंग लिस्ट है। तो ये फेस्टिवल के जरिए एक हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो दृश्य कला के जो आर्ट कलेक्टर्स है, बायर्स है बॉम्बे के, वो आते हैं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे सिटी में बहुत आर्ट लवर्स भी है, वो आते हैं। और दिस आई थिंक इज द सक्सेस ऑफ द इंडिया आर्ट फेस्टिवल इन लास्ट 12 ईयर्स। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, इंडिया आर्ट फेस्टिवल को धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं अक्सर जाती रहती हूँ ऐसे आर्ट फेस्टिवल में, जहाँ पर लोगों की कलाएँ देखती हूँ, लोगों के अंदर इतनी सारी प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं। ऐसे भी कहते हैं ना कि कोई भी समाज जो है ना, कला के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो हमारा चित्रकला देखिए या संगीत कला देखिए, मुझे लगता है कि जब से हमारा समाज बना है, दुनिया बनी है, इन दोनों का साथ साथ चलता रहता है। और जो इससे परे होकर जीवन जीने की कल्पना करते हैं ना, वो जीवन से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। अक्सर हम चित्रों में देखते हैं कई चीज़ें होती हैं, कभी सूरज आधा दिख रहा है, चांद दिख रहा है, हाथ कटा है, लेकिन हर चित्र एक अपनी कहानी कहता है। जो चित्रकार जो चित्र बनाता है उसके अंदर क्या भाव उस समय मचल रहे होते हैं, वो सब के सब उस चित्र के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारे दिल का स्पर्श अगर उस चित्र के साथ हो जाए ना, तो कोई भी चित्र कठिन नहीं लगता है। सबकी चीज़ों के हमें हल मिल जाते हैं और हम उन चित्रों को समझने लगते हैं। तो ज़रूरत है कि उसे समझने की, कि वो चित्र अपने आप में क्या कह रहा है। तो हर चित्र की अपनी कहानी है, तो हम उन सब कहानियों को देखना चाहिए। और आज इसका नाम भी बहुत अच्छा है, वैलीज एंड फ्लावर्स। किसे पसंद नहीं आते हैं, हर कोई जाना चाहता है। जब भी छुट्टियां होती हैं, हमारी इच्छा होती है हम किसी पहाड़ पे चले जाएं, वहां की सुंदरता में खो जाएं। और नेचर जैसा तो मतलब कोई सुंदरता हो ही नहीं सकती है, जिसे चाहे बड़ा से बड़ा चित्रकार भी हो तो उसे अपनी तुलिका से नहीं संवार सकता है। नेचर के अंदर इतनी फेर बदल होती है, हर पल में नेचर बदलता है। तो बस हमें उसके साथ एकामेर हो जाना है और इन चित्रों को हमें उसी प्यार से, उसी खुशी से, उसी दृष्टि से हमें देखना है। मैं उनको यही बोलूँगी, बस जीवन में करते जाइए। कई बार ये होता है ना कि हमारे चित्र समझे बिक नहीं रहे हैं, तो हमें मन में ऐसे हो जाता है कि भाई मैं और क्या करूँ चित्र बना के। लेकिन निराश नहीं होना है। देखिए, कोई बिजनेस भी होता है ना, तो 3 साल तक पहले कभी भी फ़ायदा नहीं देता है। तो उस आदमी को उस बिजनेस में रहना पड़ता है, हर कठिनाई और हर बाधाओं को पार करके आगे चलना पड़ता है। एक चीज़ कहती हूँ कि हमें एक बहुत सुंदर मतलब एक उबड़ खाबड़ सड़क है, लेकिन उसके ऊपर आप एक अच्छा सा जूता, भले वो साधारण हो, पहन कर चल सकते हैं। लेकिन एक सड़क जो कि बहुत सुंदर है, सपाट है, लेकिन आपका जूता भी बहुत महंगा है, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर 2 कंकर भी होना, तो आप उस पर 2 कदम चलकर रुक जाते हैं। तो हम बाहरी कमजोरियों से, बाहरी कठिनाइयों से या अवरोधों से नहीं हारते, हम हमारे मन की कमजोरियों से हारते हैं। तो हमारे उन मन की कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से। हाँ, मुझे नहीं, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक सीधी लकीर भी पेंसिल के और उसके स्केल के सारे भी नहीं खींच सकती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और मेरी पोतियाँ और ये सब करते हैं ना, मैं उनको देखकर मुझे बहुत हर्ष होता है। लेकिन मैं इसको है ना, मैं पसंद करती हूँ आर्ट को, और मैं लोगों की प्रशंसा करके उसको प्रोत्साहित करने का काम कर सकती हूँ, अपनी कविताओं के माध्यम से करती हूँ। तो मेरा भी एक कला है, मेरी कला है लिखना, पोइट्री करना, और उनकी कला है जो चित्रकारी करना। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक जीवन के दोनों एक पहलू हैं, और दोनों पहलुओं को एक दूसरे के बिंब को सहारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, इनके बारे में बहुत कुछ सुना था। इनफैक्ट मैं बॉम्बे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, इससे मैडम बॉम्बे एसोसिएशन में कई बार आ चुकी, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला। आज बहुत अच्छा लग रहा है। और इन जैसे प्रशंसक जो है, जो खुद लेखक है, राइटर है, कवि है, ये जब आते हैं तो यहाँ जो चित्रकार है, शिल्पकार है, दे ऑल्सो फील इंस्पायर्ड।
वह एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आके हमारे आर्टिस्ट को जिन्होंने इंस्पायर किया। थैंक यू। एक्चुअली मैं बहुत साल के बाद आई हूँ और आज मैं सोच रही थी कि मुझे आना ही चाहिए क्योंकि इतना सारा सुना है कि इतना बड़ा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज क्योंकि इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सो बिग एंड इट इज़ सो आर्टिस्ट इतने खुश लग रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट को डिस्कवर होने के लिए और ऐसा लगता है कि यू नो इस टाइप के जो आर्ट फेयर होते हैं ज़्यादा प्रमोशन होना ही चाहिए उनके लिए और इनकरेजमेंट होना ही चाहिए। आर्टिस्ट को भी बहुत इनकरेजमेंट मिलता है और बढ़ावा भी मिलता है आर्ट वर्ल्ड के लिए और देख रहे हैं आप कि इतने लोग भी आ रहे हैं इस टाइप के आर्ट शो देखने के लिए। अलग अलग टाइप के होते हैं इंडिया में, इस टाइप का मैंने देखा नहीं है पहले और बहुत ही अच्छा सुंदर। Thought today about the exhibition. This was, we say colors in food, and this was really a colorful event. Or too much of vibrant, too many vibrant colors. Even black and white is very good here. We are seeing lot of good energy here. यहाँ पे especially people have put in you know peaceful emotions. It's a wide concept and array of colors that we are seeing here. It's really refreshing and I actually love colors because I eat a lot of colors in food and I am a nutritionist by the way, so my go-to is only seeing colors and it's really vibrant. The best part is we have started valuing art and we are respecting art and artists all over the India, all over the country, young, small, and everybody is very different and unique. That's the best part. I'm not great at talking, so I think it's great. How does it feel to be here today at the India Art Festival? Yeah, actually, recently I was. लास्ट ईयर मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इस साल मैं कैंसर फ्री हुई हूँ तो वहाँ से निकल कर जैसे यहाँ पर आई तो आई वॉज़ फीलिंग सो रिलैक्स, लगा कि हाँ अपनी दुनिया में आ गई बिकॉज इंडिया हमेशा अपने आर्ट और कल्चर के लिए जाना जाता है और हम खुद उस चीज़ को उतना बढ़ावा नहीं देंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि वी आर फ्रॉम द बिगनिंग वी आर आर्टिस्ट, बी इट पेंटिंग या कल्चर, हर चीज़ के लिए हमें अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है। और जैसे कि यहाँ पर आई तो देखने के लिए मिलेंगे इतने सारे आर्टिस्ट हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पेंटिंग अभी मैं देख कर बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है और बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मौका मिल रहा है इनको। और ये बैंगलोर में भी हुआ है, दिल्ली में भी है, सो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसे अपना आर्ट एग्जिबिट मतलब दुनिया के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म किसी और को शायद इतने आसानी से नहीं मिलता जितना राजेंद्र सर हैं जी, उन्होंने जो ये पूरा इवेंट किया है उसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है और हमें चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स और हो और आर्टिस्ट को और बढ़ावा मिले इसके लिए। थैंक यू। जी कैसे लग रहा है आज आपको इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आकर? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया आर्ट फेस्टिवल के सारे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ बिकॉज इट्स अ रियली अ यूनिक वन। द मोमेंट आई एंटर्ड आई कुड सी दैट राइट फ्रॉम अ प्रो मास्टर टू अ न्यू कमर, एवरीबडी इज गॉट अ चांस टू एग्जिबिट देयर लव एंड यू नो पेंटिंग्स हियर। एंड अगर आप देखें, अगर आप अंदर इसमें जाएँ तो आपको रियली एक आर्ट, एक कल्चर, एक आर्टिस्ट की भावनाएं, इमोशंस सब दिखाई देंगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल टू अटेंड दिस बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड हियर। मुझे बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट किया, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे मैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट से मिली हूँ जो बहुत सीनियर हैं और कोई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो बहुत नए हैं
तो हर किसी की अपनी एक अपना एक कैनवस है, अपनी एक सोच है, और वो देखकर बहुत अमेजिंग लगा. तो किसी ने जो मेरा कैच किया, एक धागे से किसी ने बुद्धा बनाया हुआ था और इतना ब्यूटीफुल बुद्धा लग रहा था. फिर किसी ने म्यूरल बनाया है, किसी ने एक स्टैचू बनाया है, किसी ने बहुत सारी मुझे बहुत आई एम अ लव फॉर बुल, सो आई एम अ टॉरियन बाय माई ज़ोडियाक. तो मैं बहुत सारे बुल्स को देख रही थी और इतने अलग अलग किस्म के बुल्स दिखाई दे रहे थे. सो कोई फोटोग्राफ्स हैं तो कोई पेंटिंग्स हैं. एंड आई मस्ट से दैट कैनवस इज अ लैंडस्केप ऑफ एन आर्टिस्ट एंड दे आर ऑल प्लेइंग इट हियर. थैंक यू. आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आपका वर्क डिस्प्ले करके, और आपके वर्क के बारे में कुछ बताइए कांचन. या नमस्ते, मैं कांचन महंते. मैं पिछले 6-7 साल से इंडिया आर्ट फेस्टिवल की पार्ट हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है. इंडिया आर्ट फेस्टिवल ऐसा एक राजेंद्र पाटिल का जो मेहनत है ये इंडिया आर्ट फेस्टिवल रन करने के लिए, वो आज की जनरेशन न्यू आर्टिस्ट के लिए और जो हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं जो 16-17 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के बायर लेके आते हैं एंड अच्छा सेल देते हैं. बेसिकली मेरा नाम कांचन महंते है और मैं नीब आर्टिस्ट हूँ, पेन के नीब से काम करती हूँ, और ये मेल फीमेल में 17 साल के बाद लेके आई हूँ. और बहुत अच्छा एक सीरीज़ है गणपति बाप्पा लेके आई हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ये इंडिया आर्ट फेस्टिवल में जो 8 फेब से 11 फेब तक है आप आइए, और ये सब बहुत सारे पेंटिंग है जो आर्ट लवर है, आर्ट है, और जो आर्टिस्ट है उनको 1-to-1 मिले और उनके काम को अप्रिशिएट करें. धन्यवाद. थैंक यू. हमें थोड़ा बताइए, थोड़ा अलग ही आपके पास आपका वर्क बैठी हुई भी है. लाइक आई एम डूइंग ऑयल ऑन कैनवास एंड दिस टाइम आई हैव कम विद स्कल्पचर आल्सो एंड आई डू पेंटिंग्स ऑन वुमेन, रूरल वुमेन ऑफ गुजरात, एंड आई डू पेंटिंग्स ऑफ वुमेन एंड आई यूज येलो एंड ऑलिव ग्रीन मोनोक्रोम कलर. मैम, हाउ डज इट फील बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया आर्ट फेस्टिवल? आई लाइक्ड इट. Many time I have took part in Indian Art Festival, so under one roof we can get many different kind of work and different artists. You can meet different artists also and get good exposure. Thank you so much. Yeah, I'm very happy to be here in Indian Art Festival. Yes, absolutely. In 2024, the last 12 years I have been exhibiting with Indian Art Festival, and I'm very happy to see that a lot of young budding artists are really making a career, because this is a democratic platform which is available for any artist who can come and display his work. With this I have also grown, and I have also been displaying my work almost all over the world. Only day before yesterday I returned from my show in Sri Lanka, which was curated by Dean of Art of Visual Art University in Colombo. So I'm really happy with this Indian Art Festival, and especially with the director Rajendra, who has taken so much of efforts to make this happen. And this is one of the happening event for Mumbai art world. Thank you so much. Thank you.